नमस्कार, मेरा नाम है मानवी रोहिला और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 20 सितंबर मोहाली के PCA स्टेडियम में खेला जाना है। T20 वर्ल्ड कप 2022 को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के लिए ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका मिडिल ऑर्डर कॉम्बिनेशन है, जिसे रोहित ब्रिगेड इस सीरीज के जरिए सुलझाने की कोशिश करेगी। वर्ल्ड कप से पहले होने वाले 6 T20 मैचों के लिए कुछ तेज गेंदबाजों को भले ही रेस्ट दिया गया है, लेकिन देखा जाए तो भारत ओवरऑल अपनी मजबूत टीम के साथ ही उतर रहा है। नोट करने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 3 T20 मैचों के लिए साउथ अफ्रीका की भी मेजबानी करेगा। कप्तान रोहित शर्मा पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाली ICC टूर्नामेंट से पहले उनके खिलाड़ी सभी सवालों का जवाब ढूंढने का ट्राई करेंगे। भारत ने भले ही एशिया कप में अच्छे बल्लेबाजी की, लेकिन उसने इस दौरान कई बदलाव भी किए। भारत की गेंदबाजी की कमजोरियां भी इस टूर्नामेंट में खुलकर सामने आई हैं। लेकिन हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह की वापसी से अटैकिंग को मजबूती भी मिली है। रोहित शर्मा ने साफ कर दिया है कि वर्ल्ड कप में उनके साथ KL राहुल ही पारी की शुरुआत करेंगे, लेकिन यहां संभावना है कि उनके साथ विराट कोहली पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे। अपनी पिछली T20 पारी में शतक जड़ने के बाद कोहली को सलामी बल्लेबाज के रूप में उतारा जा सकता है और इंडियन बैटिंग ऑर्डर में चोटी के 4 बल्लेबाज तय हैं, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि फाइनल प्लेइंग 11 में विकेट कीपर के रूप में ऋषभ पंत को चुना जाएगा या फिर दिनेश कार्तिक को। वैसे रविंद्र जडेजा के चोटिल होने के कारण भारत ऋषभ पंत को बाएं हाथ का बल्लेबाज होने की वजह से कार्तिक को ज्यादा प्रेफरेंस दे सकता है। कार्तिक फिनिशर के रोल के लिए टीम में लिए गए हैं। उन्हें एशिया में बैटिंग का बमुश्किल मौका मिला था, लेकिन टीम मैनेजमेंट अगले 2 हफ्तों में उन्हें क्रीज पर कुछ समय बिताने का चांस दे सकता है। वहीं दीपक हुड एशिया कप में सुपर 4 के सभी मैचों में खेले थे, लेकिन टीम में उनके रोल को लेकर क्लैरिटी नहीं है। एशिया कप के दौरान जडेजा की चोट के कारण टीम में बॉलिंग का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया था और भारत को 5 गेंदबाजों के साथ खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा था और उसके पास बॉलिंग में छठा ऑप्शन नहीं था। और अगर भारत हार्दिक पांड्या और जडेजा की जगह लिए गए अक्षर पटेल को फाइनल प्लेइंग 11 में रखता है तो उसके पास काफी बॉलिंग ऑप्शन होगा। बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल और हार्दिक के फास्ट बॉलिंग अटैक के साथ अक्षर और युजवेंद्र चहल के रूप में 2 स्पिनर हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही टीम मैनेजमेंट इन मैचों के लिए टीम प्लान तैयार करेगा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया डेविड वार्नर के साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बिना भारत आया है और वार्नर को रेस्ट दिया गया है, जबकि मिशेल स्टार्क, मार्क स्टोइनिस, मिशेल मार्श को चोटों से रिकवरी का समय दिया गया है। सभी का ध्यान कप्तान एरॉन फिंच पर होगा, जिन्होंने लगातार अपना लूज परफॉर्मेंस के कारण हाल ही में वनडे से संन्यास ले लिया था। वो वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म में वापसी करने की कोशिश करेंगे और एक और खिलाड़ी टिम डेविड पर भी सभी की नजरें टिकी होंगी, जो सिंगापुर की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेब्यू कर सकते हैं।